रेसिडेंसी, साहिब फैशन मूड से ताइबा, जहां आम लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि बहुत से काउंसिलर से मुलाकात नहीं हो पाती, सही वक्त में काम नहीं होता। वहीं आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अनोखा वाक्या पेश आया। रेलपार निवासी एमडी फिरोज कॉरपोरेशन पहुंचे, शारीरिक तौर पर विकलांग होने की वजह से अंदर नहीं दाखिल हो पा रहे थे। जब इसकी सूचना डिप्टी मेयर वसीमुल हक को दी गई तो वो खुद ही एमडी फिरोज से मिलने बाहर आ पहुंचे। एमडी फिरोज ने कहा कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचे। वहीं वसीमुल हक ने कहा कि ममता बनर्जी का आदेश है और इंसानियत भी कहती है कि लोगों तक पहुंच के तमाम स्कीम पहुंचाई जाए। हम अम्मी का हैंडीकैप का पेंशन अप्लाई के लिए आए थे कि उसका पेंशन अप्लाई हो जाए फॉर्म जमा करने के लिए, वसीमुल हक से रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो दे दिए सर्टिफिकेट, अब मैं रिसीव लेके उसके बाद जाऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। किस लिए ये आए थे यहाँ? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में रहने वाले सभी लोगों के लिए ओल्ड एज, विधवा, हैंडीकैप, पेंशन वगैरह चालू किए हैं, सबके लिए लक्ष्मी भंडार स्कीम महिलाओं के लिए चालू किए हैं, तो ये आए थे। विकलंग है, 26 नंबर वार्ड में रहने वाले, इनको पेंशन मिलता है। इनके वाइफ है, वो भी विकलंग है, तो इसी भी हैंडीकैप पेंशन के लिए आए थे और इनका हैंडीकैप पेंशन के लिए काम हो जाए इसलिए वो फॉर्म लेकर आए। लेकिन चूँकि विकलंग है इसलिए वहाँ हमारे चैम्बर तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए यहाँ तक हम आके इनका जो सहायता है वो कर दिए। ये चूँकि ममता बनर्जी का आदेश है और इंसानी हमदर्दी यही है कि लोगों तक पहुंच के लोगों का काम हो। कल भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी द्वारा किए गए एक पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों से विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिल रही है। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने इस पोस्ट के जरिए बीजेपी की हुई हार का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि द्वारे सरकार के जरिए लोगों तक विभिन्न सुविधाएं पहुंची है, शायद यही कारण है कि जनता ने राज्य सरकार को वोट दिया। जितेंद्र तिवारी के इस पोस्ट पर भाजपा राज्य समिति के सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माननीय जितेंद्र तिवारी वो हमारे इलेक्शन कमेटी के एक गणमान्य व्यक्ति थे, आज उनका मुखौटा उतर गया, आगामी दिन में और मुखौटा उतर जाएगा। वो आज ममता दीदी का जयगान गा रहे हैं और आगामी दिन में और जयगान गाएंगे, एवं मुझे ऐसा लगता है कि वे TMC में जाने का अपना रास्ता बना रहे हैं। প্রতিক্রিয়া মাননীয় জিতেন্দ্র বাবু, তিনি আমাদের এই ইলেকশন কমিটির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার উপর দায়িত্ব ছিল। আজকে জিতেন্দ্র বাবুর মুখোশ খুলে পড়ছে, মানুষের একটা মুখ থাকে এবং একটা মুখোশ পড়ে থাকে, আজকে মুখোশ জিতেন্দ্র বাবুর খুলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আগামী দিন আরও মুখোশ খুলে যাবে। তিনি আজকে মমতা দিদির জয়গান গানছে, আগামী দিন আরও জয়গান গাইবেন এবং তিনি রাস্তা প্রশস্ত করছেন TMC-তে যাওয়ার, মনে হয় আমার। उपाध्याय और बंगाल सृष्टि के सदस्यों के बीच एक मीटिंग हुई, जिस दौरान गारुई नदी और नूनिया नदी के ऊपर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि पिछले महीने यानी कि 4 मार्च 2022 को विधान उपाध्याय, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक और वसीमुल हक की उपस्थिति में गारुई नदी के रास्तों में पड़ने वाले इलाकाओं का निरीक्षण किया गया था। वहीं इस बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि 6 किलोमीटर लंबी नदी में 4 किलोमीटर तक डिमार्केशन एवं ब्यूटिफिकेशन का काम कर दिया गया है और सृष्टि नगर के भीतर मौजूद गारुई नदी में भी जल्द ब्यूटिफिकेशन के काम को करने का निर्देश दे दिया गया है।
इस बैठक के दौरान बंगाल सृष्टि के विनय चौधरी एवं अभिजीत बासु सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे। हम लोग की मीटिंग आज मेयर साहब के साथ थी, जो गड़ोई कैनाल और नूनिया कैनाल है उसके जो काम चल रहा था उसका ब्यूटिफिकेशन का, और प्लस जो पानी भर गया था लास्ट बारिश में उसको अभी ठीक करने के लिए मीटिंग हुआ था। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कॉरपोरेशन की तरफ से, एमसी की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए गए थे लास्ट विजिट में, उसी का हम स्पष्टीकरण देने आए हुए थे यहाँ पे, और अपना उनको दिखाने आए थे कि हम लोग एक्चुअल में जो मोजा मैप के हिसाब से जो उसका डेप्थ है जो दिया हुआ था, विड्थ उसकी सॉरी, तो उससे भी ज़्यादा हमने करके अच्छी तरह से उसका ड्रेजिंग और ब्यूटिफिकेशन किया है, उसको और भी उल्टा बेहतर तरीके से आगे और भी बढ़िया करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं उस काम पे। না না মেয়র সাহেব আজকে একটি মিটিং ডেকেছিলেন আমাদের সঙ্গে, কারণ আপনারা সবাই জানেন সেপ্টেম্বর মাসে যে এখানে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল তাতে পুরো শহর ডুবে গেছিল এবং কোটি কোটি টাকার জিনিস সম্পত্তি লোকসান হয়েছে, মানুষের গরিব মানুষের ক্ষতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়েছে। তো ওনাই উনি জবে মেয়র হয়ে প্রথম উনি যে কাজটা শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে নদীটাকে সংস্কার করা, নদীটার ফ্লো যেন ঠিক থাকে যাতে আগামীকালে যদি কোনো দিন অতিবর্ষণ হয় তখন আপনার যাতে এই সেম অবস্থা না আসে যে লোকে ভেসে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে হয় না। যদিও এ কথা সত্য যে এরকম বৃষ্টি গত 100 বছরে হয়নি, আসানসোলবাসী জীবিত কেউ এরকম বৃষ্টি দেখেনি। এইবার আমাদের সঙ্গে যেটা কথা হয়েছিল যে আমরা আমাদের সৃষ্টিনগরের মধ্যে নদীর অনেকটা ভাগই আছে, বেশ খানিকটা আছে, তো আমরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম এবং আমরা নদীটাকে ভালো করে রেখেছি। নদী যদি ভালো থাকে আমাদের যে প্রোডাক্ট, আমাদের যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছি বা বাড়ি বানাচ্ছি, নদীর সামনে থাকতে সবাই ভালোবাসে এবং সারা পৃথিবীতে নদী ফেসিং ফ্ল্যাটের দাম বেশি, সুতরাং নদীর ক্ষতি করা মানে আমাদের পক্ষে, মানে আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর নদীটাকে যদি, সেই জন্য আমরা নদীর ড্রেজিং করে তাকে গার্ড ওয়াল বানিয়ে তাকে সাইডে পাথর দিয়ে সুন্দর করে রেখে আমরা জিনিসটাকে সুন্দর করেছি। মেয়র সাহেবের কিছু কিছু দাবি আছে, বক্তব্য আছে আসানসোলবাসীর জন্য, সেইগুলো আমরা সম্পূর্ণ পূরণ করতে রাজি আছি এবং বলেছি তার থেকে একটু ভালো করতে পারলে আমরা আরও খুশি হব। না, ওখানে যে জায়গাগুলো ঘেরা ছিল ওখানে লুনিয়া কালটা যেটা আছে ছোট করে আছে, তো ওইখানে আমাদের পাশে যে কনস্ট্রাকশন চলছিল তো সেখানে হয়তো কিছু জায়গায় ঘেরা ছিল, সেগুলো ঘেরা মানে আটকানো ছিল, কিন্তু আমরা সেগুলো সবগুলো সরিয়ে সুন্দর করে আবার করে দিয়েছি। এটা করার আগে একটু কিছুদিন বাদে করাও তো আগে করে দেওয়া হয়েছে, কাজটা শেষ করলেই করে দেবো। হ্যাঁ, অভিজিৎ বসু, বেঙ্গল সৃষ্টি। হওয়া কিছু নেই, গাড়ুই নদী যে সংস্কারকে দিয়ে আমলোক ভিজিট কিয়েছে, টিম দিয়েছে, ডিপার্টমেন্ট হর ডিপার্টমেন্ট টিম দেখে ডিমার্কেশন করে দিয়েছে, তো হর কাম 6 কিলোমিটার কা নদী কা জো ইয়ে হ্যায় উসমে 4 কিলোমিটার ডিমার্কেশন হো গিয়া হ্যায়। আব সৃষ্টিনগর কা অন্দর মে যে সৃষ্টিনগর কা জো গাড়ুই নদী তো হ্যায় আমলোক কা, তো উসমে সৃষ্টিনগর কা আমলোক বাত কিয়ে কি উহাঁ যাহাঁ স্পেস হ্যায় সব পরিষ্কার করকে উসকো ঠিক করনে কে লিয়ে, বিউটিফিকেশন করনে কে লিয়ে ওহি উন লোগ কো বোলে হ্যায় আর জলদি কাম শুরু করনে বোলে হ্যায়। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग बाईपास घ
घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड से आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि यह है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा, न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तीन बाजार, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 7031537798। Don't wait anymore. Get trendy. Rapidly industrializing itself. It's been a proud privilege for CII to work as a national partner to the summit, and our engagements with various departments of the state during the past few months have been truly enriching. I thank you, Honorable Chief Minister, for giving CII this opportunity. Our working relationship with the senior officials of the state government, including the Chief Secretary, the Chairman WBIDC and WBIIDC and several others, have been of the highest order, and we shall continue to work closely with all of them. As a co-chair of the Business Commission to tackle inequality in the world, amazing, by the World Business Council for Sustainable Development, with not only the company, but the ethos of the country, I invite the chairman of ITC, our one and only headquartered in Kolkata, Mr. Sanjeev Puri. Mr. Puri, great to have you. Honorable Governor of West Bengal, Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. To meet in person, and as we meet in person, I'm sure all of you experience the confidence that Bengal is showcasing with the credo Bengal means business. And ITC, as the largest conglomerate headquartered in Calcutta for over a century, with growing businesses in agriculture, services and manufacturing. Beja
गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी हमने यहाँ के बारे में प्रायोरिटीज के हिसाब से कुछ बातें पूछी उन लोगों से, अभी वेट कर रहा हूँ। भोले बाबू बाहर गए हुए हैं, कविता गए हुए हैं, अमरनाथ चटर्जी हैं, हमारे अपने कल्याण बनर्जी हैं, अभी सबसे मीटिंग होगी और यहाँ पे अभी मैं पहले शपथ ले लूँ वहाँ पे। स्पीकर साहब अभी बाहर गए, जैसे ही आ जाएंगे शपथ लेकर उसके बाद इन लोगों से मीटिंग करके और यहाँ के प्रॉब्लम्स को सामने लाने की कोशिश करूँगा और प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से इश्यूज हैं उस पर हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, चाहे टोला खाना से मजदूरों का हो, चाहे आपने स्कूल का कहा, एक स्कूल तो रिवर साइड स्कूल है उसको शायद बंद करने की बात कर रहे हैं, कोई रेलवे के स्कूल है उनको बंद करने की बात करें, एजुकेशन के मामले में तानाशाही नहीं चलना चाहिए, हेल्थ के मामले में तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें सारी को बारीकियों से। तो वी आर रेडी नाउ, आप देखा इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मेरी फैमिली जा चुकी है वहाँ पे आगे वहाँ तैयारी करने और यहाँ की तैयारी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी थैंक्स गिविंग में आया हूँ, चाय पीने आ रहा है। ममता बनर्जी का जो संकल्प है, साथ ये सब है, इसी के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए बहुत तादाद में वोट मिला है, बीजेपी के नेता भी ये मान रहा है, ट्वीट कर रहा है, तो अच्छी बात है, तो मैं सराहना करता हूँ। आपने देखा होगा जब मैं आया यहाँ पे तो मैं किसी बीजेपी कैंडिडेट या किसी कैंडिडेट का नाम लिया ही नहीं, मैंने एक बार नाम नहीं लिया, और लेडी है उनके खिलाफ क्या बोलना, क्योंकि हम तो इश्यूज पे बात करें, ठीक बोलना, वो भी इश्यू को पकड़ रही है। ममता दीदी जो है या ममता जी हमारी जो है वो देश की आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है या नेत्री है, ममता जी ग्रेट लीडर है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, ग्रेट लेडी है, मासेस की ट्रू लीडर है, ट्रू सेंस में पूरे देश में सबसे बड़ी लीडर हुई है। आसनसोल में घर लीजिएगा, आसनसोल में घर चल रहा है ना, सब दिलवा रहे हैं ना, घरों घरों को। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें। कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।